नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुप्रीति तिवारी। तो चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के 5 महीने से सस्पेंस बरकरार है और केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद उनका नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। लेकिन अब पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी सबसे आगे निकल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी कड़ी में संगठन में भी कई बदलाव हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद उनका नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर मुहर नहीं लग सकी है। ऐसे में ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, अध्यक्ष पद के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं यूपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी सबसे आगे निकल गए हैं। चौधरी ने बुधवार को इस सिलसिले में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि आज इसका ऐलान हो जाएगा। वैसे अभी 5 लोगों के नाम पर चर्चा है जो यूपी अध्यक्ष की दौड़ में है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जाट नेता, जाट वोट बैंक को साधने के लिए चौधरी सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। दूसरा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। विधायक श्रीकांत शर्मा, जिनकी संगठन में मजबूत पकड़ है, वो भी रेस में शामिल हैं। साथ ही कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक भी ब्राह्मण चेहरे की वजह से बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री और दलित चेहरा विद्यासागर सोनकर को भी बीजेपी यूपी में अध्यक्ष बना सकती है। पार्टी के हर नेता का अपना वजूद और अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में बीजेपी आखिरी वक्त में किसका नाम सामने कर दे, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गई है। राजौरी में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी तबारक हुसैन ने खुद कबूला कि उसे पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल ने मुझे भारतीय चौकी पर हमले के लिए सुसाइड मिशन पर भेजा था। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी करतूत का चिट्ठा भारत में घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान पकड़े गए आतंकी नहीं खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी तबारक हुसैन ने खुद कबूला कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक कर्नल ने भारतीय सेना की चौकी पर हमले के लिए 6,000 रुपए दिए थे। फिदायीन आतंकी ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तानी सेना के कर्नल यूनुस ने भारतीय सेना पर हमले का काम सौंपा था। कार कटे कर दे, फौजियों ने मारना है इसने, पोस्ट है हैं, कितने कितने पीजे कितने सीखा है चौधरी यूनुस में। चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी में। आर्मी के पाकिस्तान की उन्हें की क्या के पीजे तुम जाके पोस्ट करके की करो हमला करो। हमला करो बोले कितने कितने होते हमला करना कितने होते हमला करना चाहिए। आपको बताएं, तबारक हुसैन को भारतीय सेना ने रविवार को नौशेरा सेक्टर में गिरफ्तार किया था। हुसैन के साथी भारतीय सैनिकों के ललकारे जाने पर वापस भाग गए थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 6 साल में दूसरी बार हुसैन को सीमा पार से इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पहले भी तुसी आए थे? 2016 आया था। 2016 तो हम फिर क्यों आ गए? फिर हमला किया? बाकी बंदे किधर गए? भारतीय सेना घायल आतंकवादी तबारक हुसैन का बेहतर इलाज करवा रही है, ताकि उसके जरिए पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को दुनिया के सामने लाया जा सके कि कैसे पाकिस्तान की सेना भूख से लड़ रही अपनी जनता का इस्तेमाल आतंक के लिए करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, बीजेपी विधायक टी राजो के खिलाफ हैदराबाद में जोरदार प्रदर्शन जारी है और सैदाबाद इलाके में प्रदर्शन के दौरान पथराव भी देखने को मिला, जबकि पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ और ओवैसी का ऐलान भी इस बीच सामने आया। ओवैसी ने ऐलान करते हुए कहा कि राजो की गिरफ्तारी होने तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच तौकीर रजा की धमकी भी सामने आ गई है, 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। टी राजा के निष्कासन के लिए AIMIM के स्पीकर को भी चिट्ठी भेज दी गई है। योगी देखिए, अब हैदराबाद की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर हैं और तस्वीरें आपके सामने।
टी राजा की तरफ से जो बयान दिया गया उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पथराव लगातार कर रहे हैं लोग और लगातार जमानत को लेकर के विरोध किया जा रहा है टी राजा के। तो देखिए प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जिस तरीके का बयान जारी किया था, क्योंकि फारूकी मुनव्वर के एक प्रोग्राम को लेकर के विवाद जाहिर किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि ये उनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, अगर कार्यक्रम होता है तो मैं ऐसे बयान दूंगा। और उसके बाद से उन्होंने विवादित बयान दे दिया प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ, और उसके बाद से ये विरोध पूरे हैदराबाद में देखने को मिला, और अब ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग एक एक करके पथराव करते हुए भी नजर आते हैं कई जगहों पर, जहां पर अब पुलिस को यहां कमान संभालनी पड़ रही है, बैरिगेटिंग जगह जगह पर की जा रही है, लाठीचार्ज तक करना पड़ गया है ताकि इस प्रदर्शन को शांत कराया जा सके। हैदराबाद में ये प्रदर्शन और बवाल बीजेपी विधायक टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। बीती रात हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में लोग सड़क पर उतरे, पत्थरबाजी भी हुई, लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मंगलवार से ही हैदराबाद की सड़कों पर हंगामा दिखाई देना शुरू हो गया था, जो बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान पैदल मार्च से लेकर बाइक रैली तक निकाली गई। टी राजा सिंह का पुतला जलाया गया, जगह जगह सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। दरअसल हैदराबाद का मुस्लिम समुदाय इसलिए भी ज्यादा भड़का हुआ है कि टी राजा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के अंदर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। और तो और, राजा की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने आरती उतार कर उनका हीरो जैसा स्वागत भी किया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह ओवैसी ने टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है, इससे आने वाले दिनों में हंगामा और बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सऊद जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैदराबाद से। सऊद, आपसे देखिए समझना चाहेंगे इस वक्त हैदराबाद की स्थिति क्या है, और साथ ही जब एक और मैं कल ही वीडियो देख रही थी जिसमें जाकिर नायक ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट एक बार दिया था, लेकिन जब जाकिर नायक के स्टेटमेंट पर विवाद नहीं हुआ तो फिर ऐसा विवाद टी राजा सिंह के लिए अचानक से क्यों देखने को मिलता है, ये दोहरा चरित्र क्यों? देखिए, यही अपने आप में सबसे ज्यादा अहम सवाल है, और यही बात है कि आखिर इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाया जाता है, और फिर जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो फिर इसमें राजनीतिक एंगल क्यों आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि सुरभि आपने पूछा कि आखिर हैदराबाद का माहौल क्या है, तो जरा आप ये देख लीजिए, यह है हैदराबाद का माहौल। यहाँ पर रूटीन एक तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से आम लोगों को देख रहे हैं कि वो अपना ऑफिस का ऑफिस जा रहे हैं, वो अपने कामों पर जा रहे हैं, एक तरफ ये स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए कि स्थिति खास तौर पर जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड हैदराबाद है, वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है, और एक पूरा मॉरस ऑपरेंडी आप समझ लीजिए कि दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो हंगामा नहीं होता है, दिन में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन से टी राजा ने ये वीडियो जारी किया है, रात को लगातार ऐसा हो रहा है कि हर रोज़ देर रात को प्रोटेस्ट होता है, देर रात में जो नारेबाजी करने वाले लोग होते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, वो सड़कों पर आते हैं। लेकिन कल देर रात की बात बता दूं आपको, चाहे वो शाह अली बंडा इलाका हो, चाहे वो मधुपुरा हो या फिर दूसरे इलाके हो, ओल्ड सिटी में तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ के पीटा भी है, उन्हें दबोचा भी है, लेकिन देर रात तक हमने देखा, देर रात तक एक बार फिर से कल भी कई जगह पे प्रोटेस्ट हुए, भारी नारेबाजी हुई, सर तन से जुदा किनारे भी लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सुरभि, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आरएसएस के लिए बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और आरएसएस को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो हम शायद सुना भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये वो बताया पूरे मामले पर राजनीतिक एंगल भी सामने आने लगे हैं। ओवैसी बैन बाजिया कर रहे हैं, तौकीर रजा तो धमकी तक दे रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए, मैं अभी कह भी रहा था कि सोनिका, आपने कहा थी कि ये ओल्ड जो हैदराबाद में इस वक्त टेंस माहौल है, उस ओल्ड हैदराबाद के टेंस माहौल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि ये आग देश के अलग अलग हिस्सों तक फैले। हमने देखा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा हमने अमरावती में देखा, उसका नतीजा हमने उदयपुर में देखा, उसका नतीजा हमने ये भी देखा कि लगातार ये सर तन से जुदा के नारे अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं। हमने ये भी देखा
हालांकि कई जगहों पर धमकियां दी जा रही हैं, अब भी छुटपुट धमकियों की बात आ रही थी, चिट्ठियां भेजी जा रही थी, लेकिन ये माहौल शांत हो गया था। हालांकि टी राजा ने जैसे ये वीडियो जारी किया उसके बाद से फिर से उबाल है। इस उबाल में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है, असल में ये कोशिश हो रही है कि इसी पूरी की पूरी स्थिति को और बिगाड़ा जाए, और हैदराबाद से ही नहीं बल्कि यहां से उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम दूसरी जगहों पर भी इस पूरे के पूरे माहौल को गर्म किया जाए। और तौकीर रजा दरअसल यही काम कर रहे हैं, वो 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, वो धमकी देते हैं कि हाँ अगर ये इस तरह की टी राजा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ यहां पर भी ओएसीए कह रहे हैं कि दोबारा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपना काम कर रहा है, यहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, स्थिति नियंत्रण में रहे इसकी कोशिश हो रही है, पुलिस लगातार यहां पर लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारियों को पकड़ भी रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की लगातार कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सऊद, बहुत शुक्रिया सऊद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और लगातार आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आगे रुक कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर में एक टेलर को उदयपुर के कन्हैया लाल जैसी धमकी दी गई है। दुकान में डाले गए धमकी पत्र में लिखा है कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नुपुर बहाना होगा, कन्हैया जैसा हश्र होगा। रिपोर्ट देखिए। यह है नरेंद्र सैनी, मुजफ्फरनगर में इनकी टेलर की दुकान है, ये काफी घबराए हुए हैं। बुधवार सुबह जब दुकान का शटर उठाया तो अंदर एक चिट्ठी मिली। शटर के नीचे से चिट्ठी को सरकाकर अंदर डाला गया था। नरेंद्र के मुताबिक चिट्ठी के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नोपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग। एक लेटर आया है, उसमें वाइट कलर का लेटर था, लाल पेन से लिखा हुआ था, दुकान का नाम लिखा हुआ था, और अंदर उसमें एक कागज थे जो कि कॉपी का कागज था, तो उससे भी अक्षय लिखे, और उसके बाद लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, और उसके बाद में लिखा हुआ था कि नुपुर बहाना होगा और कन्हैया निशाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा। नरेंद्र सैनी को उदयपुर के टेलर कन्हैया की घटना पता थी, कैसे दुकान में घुसकर कन्हैया की गला काट गैंग ने गला रेत कर हत्या कर दी थी, इसलिए नरेंद्र ने तुरंत पुलिस को फोन कर बुला लिया। पुलिस भी दुकान पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। इनके द्वारा बताया गया है कि इनको इनकी दुकान में कोई धमकी भरा पत्र किसी के द्वारा डाला गया है, इसके संबंध में पुलिस ने इनकी लिखित तहरीर पर जो पंजीकरण किया है, और उसमें जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। नरेंद्र सैनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कभी कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुकान के अंदर चिट्ठी डालने वाले की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या की आशंका जिस तरीके से जाहिर की जा रही है उनके परिजनों की तरफ से, ऐसे में सोनाली के भाई ने पीए सुधीर पर संगीन आरोप लगा दिए हैं और नशीला पदार्थ खिला करके रेप और फिर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जबकि सोनाली की बेटी यशोधरा ने मां के लिए इंसाफ की मांग की है और परिजनों की मांग है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में की जानी चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। देखिए, सच सामने लाने के लिए परिजनों की मांग है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सोनाली फोगाट का निधन हार्ट अटैक के वजह से हुआ या वाकई जो परिजन आरोप लगा रहे हैं इन कारणों के चलते। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सवालों में उलझती जा रही है। परिजन पहले ही हत्या की आशंका जता रहे थे, अब सोनाली के भाई रिंकू ने भी इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। ये एक प्री प्लान मर्डर था, मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। इस पे आरोप भी शक किस पे है आपको? शक नहीं, पूरा यकीन है जी। एक सुधीर सांगवान है उनका पीए और दूसरा सुखविंदर सिंह है। संदिग्ध हालात में टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से चंद घंटे बाद ही उनकी जिंदगी के वो पन्ने खुलने लगे हैं जिसका हर हर्फ साजिश में लिपटा हुआ है। देखना यह है कि साजिश के ये तार कब तक सुलझ पाते हैं और सोनाली की मौत पर पड़ा सस्पेंस का पर्दा कब तक उठ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिसार से अमनदीप जुड़ चुके हैं। अमनदीप,
आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ देखिए उनके परिजनों का संगीन आरोप अभी इस बीच सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि रेप किया गया नशीले पदार्थ पिलाकर, कि कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है और क्या मांग है। बिल्कुल देखिए, परिजनों की तरफ से जब कल ये आरोप लगाए गए तो पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लेकिन अभी अगर बात करें सोनाली फोगाट की, तो शव उनका गोवा में रखा हुआ है। मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था, उनका कहना था कि पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच जारी है। इधर परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम तभी कराया जाएगा जब उनको संतुष्टि मिलेगी या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है आरोपियों पर। ऐसे में अब मांग ये भी की जा रही है कि जो पोस्टमार्टम होना चाहिए वो दिल्ली के एम्स में होना चाहिए। अगर वहां पर होता है गोवा में तो उनको फिर भरोसा नहीं है परिजनों को। अब मांग की जा रही है कि दिल्ली के एम्स में होना चाहिए। अब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो इजाजत है, परमिशन है, वो परिजनों की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। और साथ ही आज ये माना जा रहा है कि देखिए अगर 2 बजे तक पोस्टमार्टम होता है तो 2 बजे की फ्लाइट से फिर शव यहां पर आ जाएगा, और हिसार में जो उनका फार्म हाउस है वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होना है, वहीं पर लाया जाएगा, सारे परिवारजन वहीं पर मौजूद है। और अगर आज 2 बजे वहां से नहीं रवाना होता है तो ऐसे में फिर माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल तक ये डिले किया जाए। और अगर दिल्ली, अगर गोवा में पोस्टमार्टम नहीं होता है बिल्कुल, तो बिल्कुल अमनदीप, कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग कर दिया। अमनदीप आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने तिलक लगाने की वजह से ये कदम उठाया। टीचर ने सीएम को खून से पत्र लिखा है और इंसाफ की गुहार लगाई है। एक मिनट के अंदर पूरी रिपोर्ट देखिए। कासगंज के मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ में शिक्षक को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। विकास तिवारी ही वो टीचर है जिन्होंने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट को उनका तिलक लगाकर स्कूल आना पसंद नहीं था और इसी वजह से उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। अब विकास ने यूपी के सीएम को खून से पत्र लिखकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। विकास एटा जिला के रहने वाले हैं। साल 2014 में कॉन्ट्रैक्ट पर हिंदी टीचर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। 2019 में उन्हें स्थायी नियुक्ति पत्र भी मिल चुका था। विकास का ये भी आरोप है कि पुराने प्रिंसिपल के तबादला होने के बाद चीजें बदल गईं। उन्होंने प्रिंसिपल पर धार्मिक पक्षपात करने का आरोप लगाया। हमें टीका लगाने के लिए इनडायरेक्ट वे में मना भी किया गया कि ये सब इस स्कूल में नहीं चलेगा। इस कारण से हमें स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और हमें निकाल दिया गया। इस वजह से हमारी शासन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की, उदासीनता बढ़ती, और हमने मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिखा है। या तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या फिर हमारी जो हक है वो सारे हक हमें दिलाए जाएं। हालांकि स्कूल प्रशासन आरोपों से इनकार कर रहा है, इस मामले पर सफाई दी है। उनका संविदा खत्म होने पे हमने इनको कंटिन्यूएशन नहीं दिया। इनका संविदा खत्म होने की सूचना भी उनको हमने प्रदान किया था और उन्होंने यहाँ पर साइन किया हुआ है। इनका संविदा का कॉपी है, इनको सूचना भी हमने दिया था, इसका कॉपी है। ये संविदा खत्म होने पे हमने इनको दोबारा नहीं रखने का डिसीजन लिया। अगर ये हमारा इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो न्यायालय जा सकते हैं। विकास के आरोपों के बाद स्कूल निशाने पर आ गया है। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वही राजस्थान के कई जिलों में मॉनसून जमकर के बरसा है और जिसकी वजह से यहां से छोड़ा जा रहा है पानी, तो यूपी के लिए खतरे की घंटी भी बजा रहा है और यूपी में बाढ़ की आशंका बढ़ने लगी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन को अलर्ट भी कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा और धवलपुर बैराज से छोड़ा गया पानी उत्तर प्रदेश के लिए खतरे का अलार्म बजा रहा है। कोटा बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। ये लेवल 108.92 मीटर दर्ज किया गया है और आशंका है कि यमुना खतरे के निशान के पार हो जाएगी, जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिले शामिल हैं। खतरे की आहट को भांपते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को संभावित बाढ़ से निपटने के निर्देश दे दिए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा प्रबंधन की टीमों को एक्टिव करने के भी निर्देश हैं। प्रशासन गांवों को खतरे से अलर्ट करने में जुटा है। राहत शिविरों का काम भी तेजी से चल रहा है ताकि मुसीबत खड़ी होने पर लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना में भारी उफान है, ऐसे में प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऑनलाइन गेम की लत एक छात्र की मौत की वजह बन गई। डिमांड पूरी ना होने पर उसने सुसाइड की कोशिश की और बाद में उसकी जान चली गई। रिपोर्ट देखिए। हर माता पिता के लिए ये सावधान करने वाली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है, जहां ऑनलाइन गेम की लत 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ऋषि की मौत का वजह बन गई। मामला छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र के अनगौर गांव का है। बुधवार की सुबह जब घर वाले ऋषि को जगाने के लिए कमरे में गए तो कमरे का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि पंखे से लटका हुआ था। आनन फानन में घर वाले उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान ऋषि की मौत हो गई। ऋषि की मौत उसके घर वालों को बड़ा सदमा दे गई। गुलगंज थाना अंतर्गत अनगौर ग्राम में एक बालक की ने कल फांसी लगाई थी, जिसकी ICU में एडमिट कराने के बाद मृत्यु हो गई थी। संबंधित मामले हमने मर कायम कर लिया और वैधानिक जाँच की जा रही है। घर वालों ने बताया कि ऋषि फोन में ऑनलाइन गेम खेलता था और इसमें वो करीब 3000 रुपए हार गया था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात से वो परेशान था और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। घटना एकाएक हुई, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि बाद में देखा तो शायद मोबाइल गेमिंग से हुई है। कुछ गेम में शायद हार गया है, जो भी हुआ हो या उसके साथ फ्रॉड हुआ हो, ऐसा हुआ है, कुछ समझ नहीं आया हमको। स्मार्टफोन के इस युग में जहां टेक्नोलॉजी फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। अक्सर देखा जाता है कि घरों में बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें तरह तरह के गेम खेलते हैं। हर माता पिता को समय रहते जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऑनलाइन गेम खेलते खेलते कहीं बच्चे की आदत तो नहीं बिगड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कड़े कानून के बावजूद देश में 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ताजा मामला राजस्थान के किशनगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर दहेज के लालच में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। देखिए रिपोर्ट। 1 अगस्त 2019 को जब देश में 3 तलाक कानून लागू हुआ था, तब मुस्लिम महिलाओं ने राहत की सांस ली थी कि अब 3 तलाक का दंश नहीं झेलना होगा, लेकिन दहेज लोभियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। राजस्थान के किशनगढ़ जिले के सलमान नाम के व्यक्ति ने 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता नफीसा के मुताबिक आज से लगभग 3 महीने पहले जब लड़की का जन्म हुआ तो पति सलमान और ज्यादा नाराज हो गया, जिसके बाद सारे गहने छीनकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। और 1 महीने बाद सलमान ने फोन पर तलाक देते हुए दूसरी औरत से निकाह की बात कही। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच शुरू कर दी गयी है। नफीसा 3 तलाक देने से और पति का दूसरी औरत से निकाह कर लेने से सदमे में है। ऐसे में राजस्थान पुलिस का फर्ज है कि नफीसा के दर्द को कम करने के लिए जल्द से जल्द इस केस की जांच पूरी कर आरोपी को जेल भेजे, ताकि आगे कोई नफीसा 3 तलाक का दर्द ना झेले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक 17 साल की लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुंडका इलाके से ये दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। खून से लथपथ एक 17 साल की लड़की जमीन पर छटपटा रही है, पड़ोसियों से खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक लड़की का नाम शिवानी बताया जा रहा है। घटना टिकरी लेखराम पार्क कच्ची कॉलोनी की है। चश्मदीदों के मुताबिक शिवानी अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती थी। फिलहाल उसके माता पिता और छोटा भाई गांव गए हुए थे। आरोपी हरीश कई दिनों से शिवानी के परिवार के साथ ही रह रहा था। बुधवार के दिन शिवानी घर पर थी, जहां उसकी हरीश के साथ कहासुनी हो गई। हरीश ने आपा खोया और चाकू से उसका गला रेत दिया। जो लड़की थी अंदर उसे गला कट गया, बाहर आके गिरी थी और बाकी हमने कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं देखा। बाहर तड़प रही थी, तड़प रही, चिल्ला रही थी, बचा लो मुझे, बचा लो। तो पड़ोसी ने देखा तो उसको बचाया, पर लेकिन जब भी लेके गए तो खत्म हो गई। आरोपों के मुताबिक शिवानी की माँ और हरीश एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यही बात शिवानी को पसंद नहीं थी। उसने पहले भी कई बार दोनों के सामने विरोध किया था। घटना के बाद आरोपी हरीश मौके से भागने लगा। शिवानी के शोर मचाते ही स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।